आपके क्लास के टॉपर का लास्ट एग्जाम में रिजल्ट कुछ ऐसा था, क्योंकि उसे हर सब्जेक्ट में 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले थे, क्योंकि उसने एग्जाम लिखते समय ये 3 आसान से टिप्स फॉलो किए थे। नंबर 1, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। टॉपर्स क्वेश्चंस नहीं छोड़ते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सो नथिंग टू लूज। अगर कोई MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता है या दो ऑप्शंस में डाउट है, देन ऑलवेज गो फॉर योर गट फीलिंग्स। जो ऑप्शन पहली बारी में सही लगे उसे टिक कर दो, छोड़ने का कोई फायदा नहीं। फॉर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस स्टेप मार्किंग होता है, सो अगर आंसर नहीं पता तो भी एक दो लाइन कुछ रिलेटेड लिख दो, जैसे डेफिनेशन या फॉर्मूला, या फिर रिलेटेड डायग्राम ही बना दो। इससे एक दो मार्क्स मिलने के चांस बन सकते हैं, और कई बार गलत क्वेश्चंस प्रिंट हो जाता है, तब भी अटेम्प्ट करने पर ही मार्क्स मिलेगा, सो अटेम्प्ट जरूर करो। नंबर 2, प्रेजेंटेशन। अपने आंसर को ऑर्गेनाइज्ड और पॉइंट वाइज लिखो, विद रिलेवेंट डायग्राम्स एंड पैराग्राफ्स। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर की पहली नजर इंपॉर्टेंट चीजों पर पड़े। और आंसर को वर्ड लिमिट में ही लिखो, डोंट ओवर एक्सप्लेन, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप क्वेश्चन ही नहीं समझे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। नंबर 3, अप्रोच। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पेपर मिलते ही सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ो, देन सारे क्वेश्चन को एक बार क्विक स्कैन करो, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू मिल जाएगा, ताकि आप एक क्विक प्लान बना सको कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है, और इसके लिए आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते भी है। और अब जो आंसर आपको पता है उसे बहुत तेजी से लिखो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, पक्का इससे राइटिंग खराब होगा, बट कोई बात नहीं, हैंड राइटिंग कंपटीशन नहीं, जस्ट आपका राइटिंग रीडेबल होना चाहिए, बस ज़्यादा काटना छाटना नहीं और ओवर राइट नहीं करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग के 3-4 पेज नीट एंड क्लीन हो, उसके बाद अगर खराब भी होगा तो टीचर समझेंगे कि टाइम की कमी के कारण राइटिंग खराब हुआ है।